समस्तीपुर के विद्यापति नगर थाना के हरपुर बोझा गांव में दो युवकों के द्वारा नौवीं कक्षा के एक छात्रा को जिंदा जलाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के मुताबिक बता दें, दवा कारोबारी सुनील राय की पुत्री आकांक्षा कुमारी सोमवार की दोपहर अपने घर में अकेली थी। इसी दौरान वह किसी काम से घर से बाहर निकली, तभी पड़ोस के दो युवक अमित और सुमित ने उन्हें पकड़ लिया और पास के एक सुनसान घर में ले जाकर उसका हाथ पर बांध दिया, फिर केरोसिन तेल छिड़क कर आग लगा दिया। लड़की के चिल्लाने पर परिजन मौके पर पहुंचे, जिसके बाद छात्रा को गंभीर हालत में इलाज के लिए पटना के कदम कुआं स्थित पैरामाउंट केयर ले गया, जहां इलाज के दौरान सोमवार की रात करीब 12 बजे छात्रा ने दम तोड़ दिया। मौत से पूर्व छात्रा ने परिजनों को घटना में अमित और सुमित के अलावा तीन अन्य के इसमें शामिल होने की बात कही है। ग्रामीणों के बीच चर्चाओं पर यकीन करे तो आरोपित युवक कुछ दिन पूर्व एक किशोरी को भगा ले गया था। इस मामले में आकांक्षा के परिजनों ने किशोरी के परिवार की मदद की थी। बताया जा रहा है कि इसी को लेकर गुस्साए आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। बता दें कि आकांक्षा मोहिदी नगर के संत मैरी स्कूल की नौवीं कक्षा की छात्रा थी। कितने घंटे का अल्टीमेटम? मैंने 72 घंटे का आश्वासन दिया कि मैं संपूर्ण प्रयास करूंगा उसको रिस्टिंग करने। जी, पहला प्रयास वही होना नाम चाहिए। मुकेश कुमार पहले का था, एक अपहरण हुआ था, उसमें हम लड़की पक्ष वाले को कुछ मदद किए थे सामाजिकता के नाते, ऐसा कोई हम लोग के साथ दुश्मनी नहीं था, लेकिन वो इसी को अपना तूल बनाकर अपना बदला के भावना से मेरी बच्ची का जान लेने का। उससे पहले कोई धमकी वगैरह? हाँ, इससे पहले आपको फोन पर धमकी भी दिए थे कि अगर आपने कुछ इसको मदद किया तो हम दोनों भाई को मारेंगे। हमारी बच्ची जब घर पर मार आया, जबरन उसका मुंह बांध दिया, हाथ बांध दिया, पैर बांध दिया और प्यासन तेल छींक के आग लगा कर भाग गया। इस घटना को कुछ लोग हमको बुलाने आए दुकान पे, तो दौड़ के जब हम लोग गए तो वहाँ पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ है। हम लोग जब उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाने लगे, उस क्रम में मेरी बच्ची बताई कि वो दोनों लड़का ने मुझे हाथ पैर बांध के तेल छिट के आग लगा दिया और कहा कि तुम्हारे दोनों भाई को भी हम इसी तरह जला देंगे। तब वहाँ दौरान मतलब वहाँ जब हम हॉस्पिटल में उसका इलाज करा रहे थे, उस दौरान रात में 12 बजे उसकी मौत हो गई। अब हम लोग का यही इरादा है कि जो आरोपित है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अमित कुमार और सुमित कुमार, पिता नंद किशोर राय। जी सुनील, आकांक्षा कुमारी की वो अमित और सुमित नाम के आदमी ने आग लगा करके हत्या कर दी है, और घटना का कारण उससे पूर्व अपहरण कांड हुआ था एक बगल की के लड़की का, और उसी अपहरण के आक्रोश में और साजिश करके दो तीन आदमी और इन्वॉल्व है उसमें, उन लोगों ने मिलकर हत्या की है। और हम लोग मतलब डिटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, अरेस्टिंग का प्रयास कर रहे हैं, और जो भी प्रक्रिया है कानूनी कार्रवाई की जाए। और मेरे स्तर से फर्दियान लिया गया है, इन लोगों का डेड बॉडी जो है पटना से इलाज के बाद लाया गया और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया करवाई जा रही है। क्या नाम हुआ? मुकेश कुमार।